दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द फाइनेंट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स में द्विघात समीकरण को खत्म किया था, जो चैप्टर नंबर 4 था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, दो समांतर श्रेणी। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 5 में आपका है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए जरा सही देखिए, इधर देखिए सर, ये देखिए आपके चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है ना। कैसे समझेंगे कि वो समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, समझे? इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए, समानांतर, पहले देखिए ये नाम क्या दिया है, समानांतर। समानांतर का मतलब होता है आपका समान अंतर। क्या होता है? समान और अंतर, समान प्लस अंतर के मिलने से क्या बना? समानांतर। श्रेणी का मतलब होता है क्या? तो क्रम। श्रेणी का मतलब क्या होता है? क्रम। तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग बचपन में क्या हो रहा था कि स्कूल में जा रहे थे पढ़ने, तो ब्रेक के टाइम पे लड़के, जैसे टीचर बोल रहे थे ना कि एक हाथ की दूरी बना करके आप लोग क्या लीजिए, ब्रेक के टाइम पे लाइन में लगे, समझे? तो वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे की बीच की दूरी कितनी थी? तो एक हाथ। कितनी थी? एक हाथ। समझ पा रहे इस बातों को? तो वहां पे हम लोग एक क्रम बना था बच्चों को खड़ा होने का, कि एक हाथ की दूरी पर ही आपको क्या होना है, खड़े होना है। तो वहां पे क्या बोला जाएगा कि वो एक समानांतर श्रेणी का क्या था, उदाहरण था। जैसे एक और समझ लीजिए, समानांतर, देखिए समानांतर श्रेणी का मतलब समान प्लस में अंतर। जैसे कि हमने अगर देखिए संख्याएं देख लिए, ये 2, 4, 6, 8, 10, समझे, 12, इस तरह से। तो एक क्रम बना ना, ये क्रम बन रहा है। और रही बात की समानांतर, देखिए समानांतर का मतलब कि देखिए इन सबके बीच के अंतर कितना है, सबके बीच का अंतर समान है क्या? समान है ना, समान है, बराबर है कि नहीं है? इसके बीच के अंतर 2, इसके भी 2, यह भी 2, यहाँ भी 2। मतलब कि अगर दो पदों या कोई भी पद हो, अगर पदों के बीच के अंतर समान है, क्या समान है, तो उसको क्या बोलेंगे? समानांतर। क्या बोलेंगे? समानांतर। अब रही बात की क्रम चलते आ रहा है कि नहीं, क्रम चलते आ रहा है कि दो दो बढ़ के जा रहा है, इसी को क्या बोल देंगे? श्रेणी। क्या बोलेंगे? श्रेणी। समझ में आया? तो समानांतर श्रेणी क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये चाहे वो वस्तुएं हो या फिर कुछ भी हो, अगर उनके बीच की दूरी समान है, बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। क्लियर हो गया? समझ गया समानांतर श्रेणी का मतलब? जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, देखिए और भी आगे जा सकता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कि इनके बीच का अंतर कितना है, ये सभी संख्याओं के बीच के अंतर कितना है, तो 3 है ना। ये देखिए दो पदों के बीच के अंतर कितना है, 3 है। समान है कि नहीं, बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो बराबर क्रम में बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसी को? समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए जरा सर, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे कि 5.1 में, देखिए जरा सर, ये समानांतर श्रेणी आप लोग समझ गए, समानांतर श्रेणी क्यों बोलेंगे, समझे? चलिए तो अब हम लोग ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है ना। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा से देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में से, क्या कह रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक, देखिए स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये कह रहा कि आपका क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें पूछ रहा कि एपी है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी है, और है तो क्यों है। क्लियर हो गया? है तो क्यों है, ये बताना है। देखिए जरा सर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 1 में भी 1 नंबर दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1 नंबर आपका क्या दे रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 लगाया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 किराया लग रहा है। जैसा कि मान लीजिए कि हमको यहां से अगर यहां जाना है, ठीक है, किसी टैक्सी से, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कह रहा कि एक टैक्सी से हम यहां से यहां मुझे जाना है, तो अगर यहां से यहां गए तो कितना किराया है, ₹15। कितना किराया? ₹15 है।
अगर इसके बाद आप फिर एक्स्ट्रा जाइएगा एक एक किलोमीटर भी, तो आपका एक किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा लगेंगे। समझ पाए? यहां से यहां निर्धारित समय के लिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो आपको ऑटो वाला कितना रुपए लेगा, तो ₹15 लेगा। फिर अब आप एक किलोमीटर भी वहां से आगे बढ़िएगा तो उसके लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ जाएगा, आपका किराया जितना भी होगा उससे ₹8 बढ़ जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर आप एक किलोमीटर की यहां अगर जा रहे हैं तो ₹8 बढ़ेगा, फिर अगर एक्स्ट्रा एक किलोमीटर जा रहे हैं तो फिर ₹8 आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? क्लियर हो गया? क्लियर। अब देखिए, तो अब देखिए जरा सर, तो थोड़ा सा और हम इस चैप्टर के बारे में समझाना चाहेंगे, देखिए जो नहीं बताए इसमें। देखिए, समानांतर श्रेणी में आपका एक होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद, ठीक है ना, इसको ए से सूचित करेंगे। प्रथम पद को किसे सूचित करेंगे? ए से। एक आपका मिलेगा अंतिम पद, क्या मिलेगा अंतिम पद, इसको ए एन से सूचित करते हैं, किसे सूचित करेंगे ए एन से। एक आपका होता है सार्व अंतर, क्या होगा सार्व अंतर, इसको डी से सूचित करेंगे, किसे करेंगे डी से सूचित करेंगे। समझ में आया? तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे देखिए, प्रथम पद रही बात की प्रथम पद होता क्या है, तो जैसे ही मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो यहां से मान लीजिए अगर हम चलना शुरू किए, ये रास्ता है और इस तरह से मान लीजिए पैसे गिरे हुए, तो जैसे ही हमने गया यहाँ पे तो कितने रुपए मुझे मिला, ₹2, कितना रुपए मिला ₹2, फिर आगे बढ़े तो कितना रुपए मिला ₹4 मिला, मतलब पहली बार प्रथम पद पहला पैर रखे तो मुझे कितना रुपए मिले ₹2। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कितना रुपए है, वो क्या है, तो प्रथम पद किसको, ये पहले वाले को बोलेंगे प्रथम पद। ये सबके सब पद है लेकिन ये क्या है प्रथम पद, तो इसको A1 कह सकते हैं, इसको A2 कह सकते हैं, इसको A3, A4, A5, आगे A6, A7, A8 भी हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? क्लियर हो गया ना? अब देखिए, तो ये प्रथम पद कह दीजिए, A कह दीजिए या A1 कह दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब रही बात की अंतिम पद, तो अंतिम पद मतलब कि कोई भी कोई ना कोई तो लास्ट में होगा ना, कि यहाँ तक ही जाना है, यहाँ इतना रुपया होगा, या फिर ये कह दीजिए कि अगर ये आगे नहीं दिया इतना ही तक सिमट गया तो लास्ट में कौन है 10, तो हम इसको AN बराबर कह सकते हैं क्या, ये अंतिम पद कितना है 10 है। क्लियर हो गया? एक हो गया आपका सार्व अंतर, तो सार्व अंतर देखिए क्या होता है, सार्व अंतर होता है देखिए दो पदों के बीच का अंतर होता है, दो पदों के बीच का अंतर आपका क्या होता है सार्व अंतर, क्या होगा वो सार्व अंतर। क्लियर हो गया यहां पर? अब चलिए, एक होता है आपका n, क्या होता है n, n होता है यहां पर देखिए पदों की संख्या, क्या होता है पदों की संख्या, जैसे हम बता रहे देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पर हमने दे दिया 3, 6 दिया, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से है कि नहीं हो रहा है ना, तो ये कह दिए हम कि A1, 3, A2, 6, A3 हो गया कितना 9, A4 हो गया कितना 12, तो वहीं ये प्रदेय A1 का मतलब देखिए ये n नंबर, मतलब कितने नंबर पे 3 आया है, तो पहले नंबर पे 3 आया है, यही आपकी पदों की संख्या। दूसरे नंबर पे कितना आया है 6 आया है, तो यही आपके पदों की संख्या, यही आपका n, ये क्या है n का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 4। समझ में आया? तो n मतलब होता है आपका पदों की संख्या। चलिए जरा सा, तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक आदमी है समझे, और उसको कहीं जाना है, ठीक है ना, कहीं जाना है, तो टैक्सी के पास गया, और टैक्सी के पास गया तो टैक्सी वाला बोल रहा है कि भैया आप मान लीजिए कि जहां भी जाइएगा हम आपके लिए वहां तक ₹15 किराया लेंगे, ठीक है ना, कितना रुपए किराया लेंगे ₹15 लेंगे, लेकिन वहां से जैसे ही आप एक किलोमीटर भी अगर आगे बढ़िएगा तो हम ₹8 करके अपना चार्ज क्या करेंगे बढ़ाते रहेंगे, अपने किराया क्या करेंगे बढ़ाते रहेंगे। समझ में आया? अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो आप ₹15 दीजिएगा, कितना रुपए ₹15, लेकिन आप जैसे ही एक किलोमीटर भी आगे बढ़िएगा तो आपका ₹8 एक्स्ट्रा प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या होंगे लगने लगेंगे चार्ज। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हम कह सकते हैं कि पहली बार मान लीजिए कि यहां से यहां गए, यहां से हमको था और यहां से हम यहां चले गए, तो पहला बार हमने यहां से यहां अगर दूरी तय किया ना, तो कितना रुपए दिए उसको ₹15 दिए कि नहीं दिए
इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A1, A1 मतलब प्रथम बार, पहली बार कितना रुपए दिए, 15 रुपए दे दिए। फिर हम एक्स्ट्रा अगर चल रहे हैं तो क्या होगा, आपको 8-8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि नहीं, एक्स्ट्रा दूरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए फिर हम अगली बार गए, मान लीजिए कि दूसरा पद पे गए ना, दूसरे पद एक आगे बढ़ गए, तो देखिए 15 रुपए वो तो देना ही था, लेकिन फिर आगे जैसे ही बढ़े यहाँ पर आ गए तो इसके लिए 8 रुपए देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना। तो ये दूसरा हो गया आपका 15 + 8, तो कितना हो गया, ये देखिए 15 और 8 कितना हो गया, 23। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब देखिए, अब फिर कहीं आगे आपको बढ़ना होगा तो आपका जो भी होगा A3 अगला पद में, देखिए तो उसमें 23 रुपये तो दिया ही है, फिर अगर आप आगे जाइएगा तो उसके लिए भी 8 रुपये फिर आपका बढ़ेगा, मतलब ये आपका कितना हो गया, तो 31 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए किराया, 31 रुपये हो गए, समझ में आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ये 15, 23 और क्या ये 31, इस तरह से आगे जैसे जैसे आप बढ़िएगा आपका किराया क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब हमको ये पता करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो एपी हम कैसे पता करते हैं, तो एपी के लिए भी बताया कि पता करना कि एपी है कि नहीं है, तो कुछ नहीं, आप पदों के बीच के अंतर जो भी पद होंगे, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये जो भी पद हैं, इनके बीच के अंतर अगर समान होगा, बराबर होगा, तो वो क्या होगा, एपी होगा। अगर नहीं होगा बराबर तो एपी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 15 और 23 है ना, इसके बीच के अंतर कितने, 8 रुपए, और यहाँ पर देखिए कि इसके बीच के अंदर कितने, 8 रुपए, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये एपी कह देंगे कि नहीं, कि ये एपी है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो चलिए यही आपका आंसर हुआ, हो गया। चलिए इसको उतारिए जरा सर, यहाँ पर लिखना हो थोड़ा सा आप डिटेल में लिख सकते हैं कि प्रथम, देखिए प्रथम किराया, प्रथम किराया आपका कितना, तो प्रथम किराया आपका ये 15 रुपए जो ये आपका A1 है, समझ पाए। उसके बाद अतिरिक्त किराए के लिए 8 रुपए लग रहे, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए इसको, उतारिए जल्दी से, उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए अब हो गया क्या, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाएगा, एक मिनट रुकिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, तो आगे हम लोग कल देखेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे वीडियो पे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को अभी कुछ दिन पहले ख़त्म किए हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो हम लोग लिंक भेज देंगे, आप क्या कीजिएगा कि उसको देख लीजिएगा।